ओवरऑल वोल्टेज की कपल्ड एम्पलीफायर कैसे होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और वर्किंग में थोड़ा बहुत हम देखेंगे, एक सिंपल वे में देखेंगे कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या होते हैं। ठीक है, आरसी मतलब, आर मतलब रेसिस्टर और सी मतलब कैपेसिटेंस। ठीक है, तो रेसिस्टर और कैपेसिटेंस के थ्रू सर्किट्स कनेक्ट होते हैं, ट्रांजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स। ओके, सो देखो, इट इज अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर सर्किट इन विच इंडिविजुअल स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर आर कनेक्टेड थ्रू रेसिस्टर एंड कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। ये क्या है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, क्या है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, इट मीन्स मोर देन वन स्टेजेस। ठीक है, मोर देन वन स्टेजेस ऑफ सर्किट वहां यूज होते हैं आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में। उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल स्टेजेस जो होते हैं वो रेसिस्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये दिखाऊंगा कैसा होता है, अभी सिर्फ इसको आरसी कपल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेसिस्टर और कैपेसिटर कॉम्बिनेशन से जो स्टेजेस ऑफ एम्पलीफायर है वो कनेक्टेड होती है। मतलब पहली स्टेज और दूसरी स्टेज कैपेसिटर और रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन से कनेक्ट होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आरसी कपल्ड। आर मतलब रेसिस्टर, सी मतलब कैपेसिटर। ठीक है, तो सी आर मतलब रेसिस्टर, सी मतलब कैपेसिटर, रेसिस्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के थ्रू डिफरेंट स्टेजेस कनेक्ट होती है, इसलिए इसको आरसी कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं। और ये है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, मल्टी स्टेज मतलब मोर देन वन स्टेज। ओके, सो अब देखेंगे कि आरसी कपल्ड में जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा एम्पलीफायर पढ़ने वाले हैं, टू स्टेज आरसी कपल्ड, जिसमें दो स्टेजेस होंगी, मोर देन वन स्टेज मतलब दो स्टेजेस वहां पे होगी, वो हम देखेंगे। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर किसे बोलते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका वर्किंग क्या है। ठीक है, तो इसी में आरसी कपल्ड एम्पलीफायर मतलब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, मोर देन वन, और उसमें जो हम पढ़ेंगे टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर पढ़ेंगे, जिसमें दो ट्रांजिस्टर होंगे। ठीक है, वो दो ट्रांजिस्टर रेसिस्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से कनेक्ट होंगे, उसका कंस्ट्रक्शन मैं बताऊंगा। ध्यान से देखो, सर्किट थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर तुमको अगर आइडिया आ गया कि किस तरीके से वो सर्किट में कनेक्शंस है और किस तरीके से स्टेजेस रिपीट हो रही है, तो तुम इजीली ड्रॉ कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन दो मार्क्स के लिए आता है कि ड्रॉ और कंस्ट्रक्ट द टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर सर्किट। ओके, तो टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है, दो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं। देखो, टू सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स आर कपल्ड थ्रू कैपेसिटर एंड रेसिस्टर। दो ट्रांजिस्टर होते हैं, उसमें दो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स होते हैं और वो कनेक्ट होते हैं कैपेसिटर और रेसिस्टर के थ्रू। और उसमें क्या होता है, एक आउटपुट ऑफ वन ट्रांजिस्टर विल एक्ट एज अ इनपुट फॉर नेक्स्ट ट्रांजिस्टर। इट मीन्स दैट आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज विल एक्ट एज अ इनपुट फॉर सेकेंड स्टेज। तो इस तरीके से दो स्टेज मतलब क्या होता है, दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, उसमें टू सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स लगे होते हैं और वो दोनों जुड़े होते हैं, कपल्ड होते हैं, किसके थ्रू, कैपेसिटर और रेसिस्टर के थ्रू कपल्ड होते हैं, इसलिए उसको आरसी कपल्ड बोलते हैं। रेसिस्टर और कैपेसिटर के थ्रू कपल्ड होते हैं दो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स, दो ट्रांजिस्टर कपल्ड होते हैं रेसिस्टर और कैपेसिटर के थ्रू। उसमें एक ट्रांजिस्टर से आने वाला जो आउटपुट होता है विल एक्ट एज अ इनपुट फॉर द नेक्स्ट ट्रांजिस्टर और सेकेंड ट्रांजिस्टर। तो टू स्टेज ट्रांजिस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे हम, क्योंकि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर रेसिस्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से वो एम्पलीफायर बनता है। ठीक है, जिस और उसमें हम एग्जांपल कौन सा पढ़ने वाले हैं, टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। टू स्टेज मतलब दो ट्रांजिस्टर सर्किट कनेक्ट होंगे थ्रू रेसिस्टर और कैपेसिटर। सो इसके कंस्ट्रक्शन में जो हम कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांजिस्टर कनेक्टेड होते हैं, रेसिस्टर कहाँ लगा होता है, कैपेसिटर कहाँ लगा होता है, हर एक का यूज देखने वाले हैं हम। ओके, सो इतना जान लो कि टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में 8R, 5C और 2T कॉम्बिनेशन यूज होता है। 8R मतलब 8 रेसिस्टर्स, नंबर ऑफ रेसिस्टर्स कितने यूज होते हैं, 8 रेसिस्टर्स। 5 कैपेसिटर्स यूज होते हैं, कितने कैपेसिटर्स यूज होते हैं टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के सर्किट में, 5 कैपेसिटर्स यूज होते हैं। और 2T मतलब दो ट्रांजिस्टर्स। ओके, तो कितने ट्रांजिस्टर यूज होते हैं टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में, दो ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। सो टू ट्रांजिस्टर, 8 रेसिस्टर और 5 कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से बनता है
टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ओके, तो अब देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। लेकिन बेसिक तुम जान लो, टू स्टेज बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए। टू स्टेज आरसी कपल्ड मतलब टू स्टेज मतलब दो ट्रांजिस्टर यूज होने वाले हैं और वो दोनों ट्रांजिस्टर को हम कनेक्ट करेंगे रेसिस्टर और कैपेसिटर के थ्रू इन अ सच ए वे दैट आउटपुट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर विल एक्ट एज अ इनपुट फॉर सेकेंड ट्रांजिस्टर। ओके, और इस कॉम्बिनेशन में कंस्ट्रक्शन में 8 रेसिस्टर यूज होंगे, 5 कैपेसिटर यूज होंगे और 2 ट्रांजिस्टर यूज होंगे। ठीक है, तो देखो सर्किट कैसा होता है। टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का सर्किट देखो, कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन फॉर टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इन सीई मोड, अपन सीई मोड वाला ट्रांजिस्टर यूज करते हैं मैक्सिमम, वही ज्यादा यूज में होता है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन में हम टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर देखेंगे इन सीई कॉन्फ़िगरेशन मोड में, देखेंगे कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। बस ध्यान दो कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, सो देखो मैंने बोला टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, इसका मतलब उसमें 2 ट्रांजिस्टर यूज होंगे। तो ये रहा, ये देखो इसमें क्या है, 2 ट्रांजिस्टर यूज होंगे, 5 कैपेसिटर्स यूज होंगे और 8 रेसिस्टर्स यूज होंगे। ठीक है, 8R, 5C एंड 2 ट्रांजिस्टर। सो अब देखो 2 ट्रांजिस्टर उसमें यूज होंगे कंस्ट्रक्शन में, 2 स्टेज मतलब 2 ट्रांजिस्टर यूज होने वाले, 2 ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो ये पहला ट्रांजिस्टर, उसको मैंने बोल दिया T1। ठीक है, दिस इज फर्स्ट ट्रांजिस्टर, आई कॉल्ड इट एज T1। ओके, दिस ट्रांजिस्टर इज NPN ट्रांजिस्टर। व्हाई NPN? बिकॉज दिस एरो, दिस पिंक एरो इज टूवर्ड्स द इमिटर। ओके, टूवर्ड्स द इमिटर आउटवर्ड है, इसलिए इसको NPN ट्रांजिस्टर बोलेंगे। NPN ट्रांजिस्टर का ज्यादा यूज करते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया कलेक्टर जंक्शन, ये हो गया बेस जंक्शन और ये हो गया इमिटर जंक्शन। तो ये एक हो गया ट्रांजिस्टर T1। सिमिलरली दूसरा ट्रांजिस्टर है, ये है T2 ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये भी NPN ट्रांजिस्टर है और कलेक्टर बेस एंड इमिटर जंक्शन में। ठीक है, ये 2 ट्रांजिस्टर हो गए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, स्लाइड्स की तरफ ध्यान दो, पहले क्या बनाना है, किस तरीके से ये सर्किट बनाना है, ये मैं सिंपली एनिमेशन के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दो कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन करते हैं। सर्किट थोड़ा बड़ा है लेकिन अगर स्टेप्स तुमने पता है तो तुम इजीली कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो ये हो गया 2 ट्रांजिस्टर। ठीक है, NPN T1 बोल दिया एक को, T2 बोल दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर का जो बेस टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है, इसके थ्रू 2 रेसिस्टर लगा देंगे। ठीक है, अब इसके थ्रू मैंने 2 रेसिस्टर लगा दिया। ठीक है, ये बेस है, इसके थ्रू 2 रेसिस्टर्स लगा दिया, R1 एंड R2 बोल दिया। ठीक है, ये दोनों को यहाँ इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, R1 एंड R2 इस बेस के थ्रू लगा दिया मैंने, R1 एंड R2। इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट बोलते हैं। ये लगाना क्यों जरूरी है, बेस ये हर एक बेस के, इस बेस के ट्रांजिस्टर को भी 2 रेसिस्टर लगा दिया। ठीक है, और इस बेस के भी ट्रांजिस्टर को क्या कर दिया, 2 रेसिस्टर लगा दिया। इसको मैंने R3 और R4 बोला, इसको मैंने R1 एंड R2 बोला। तो इस बेस को भी 2 रेसिस्टेंस लगा दिया, इस बेस को भी कनेक्ट करके 2 रेसिस्टेंस लगा दिया, R3 एंड R4। ओके, तो ये रेसिस्टेंस लगाना क्यों जरूरी है, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। ये रेसिस्टेंस लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको क्या करना है कि ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली बायस करना है। अगर बायस नहीं होगा तो ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा एक्टिव रीजन में। ट्रांजिस्टर के प्रॉपर बायसिंग के लिए 2 रेसिस्टेंस लगाना जरूरी है, अगर ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर यूज कर रहे हो तुम। ठीक है, तो ये बेस को, ये तुमको बेस में ये 2 रेसिस्टेंस, इस वाले भी ट्रांजिस्टर को मैंने 2 रेसिस्टेंस लगाया R1 एंड R2, इस वाले भी ट्रांजिस्टर को मैंने 2 रेसिस्टेंस लगाया R3 एंड R4। ये रेसिस्टेंस लगाना इसलिए जरूरी है, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट। ये रेसिस्टेंस लगाना इसलिए जरूरी है कि ताकि ट्रांजिस्टर प्रॉपरली बायस रहे और वो एक्टिव रीजन में वर्क करे। अगर ये रेसिस्टेंस नहीं लगाओगे तो वर्किंग में प्रॉब्लम होगा ट्रांजिस्टर की और वो ट्रांजिस्टर प्रॉपरली बायसिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस लगाना इसलिए जरूरी है कि ताकि ट्रांजिस्टर प्रॉपरली एक्टिव रीजन में वर्क करे, इसलिए। ठीक है, प्रॉपर बायसिंग के लिए ये 2 रेसिस्टेंस लगाना। तो इस बेस को, इस पहले वाले ट्रांजिस्टर के बेस को मैंने 2 रेसिस्टेंस लगाया और दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के भी बेस में मैंने 2 रेसिस्टेंस लगाया। तो ये हो गया 2 रेसिस्टेंस, ये टोटल हो गए 4 रेसिस्टेंस। ठीक है, यूज कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 8 रेसिस्टेंस, तो ये 4 हो गया। ठीक है,
और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इमीटर है, ठीक है, ये जो इमीटर है ट्रांजिस्टर, तो इमीटर के थ्रू और एक रेसिस्टेंस लगा रहा हूँ, ठीक है। ये इमीटर के थ्रू मैंने यहाँ एक रेसिस्टेंस लगाया आरई, ठीक है, और ये वाले भी इमीटर के थ्रू मैंने यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा दिया आरई। सो आरई मत मीन्स इमीटर रेसिस्टेंस, ओके। तो ये इमीटर जंक्शन के थ्रू मैंने यहाँ आरई लगाया और ये इमीटर जंक्शन के थ्रू यहाँ आरई लगाया, ठीक है। आरई लगाना क्यों जरूरी है इस सर्किट में? आरई नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? बिकॉज आरई लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा क्या होता है, हर ट्रांजिस्टर का एक ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्यू पॉइंट। अगर क्यू पॉइंट को तुमको स्टेबल रखना है, क्यू पॉइंट तुम्हारा क्या होना चाहिए, शिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर शिफ्ट हुआ क्यू पॉइंट, मैंने बताया था डीसी लोड लाइन में जो पॉइंट होता है उसको क्यू पॉइंट बोलते हैं, डैट इज ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर। ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल होना चाहिए, ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ऑपरेटिंग पॉइंट की शिफ्टिंग को तुम्हें रोकना है, ऑपरेटिंग पॉइंट की शिफ्टिंग को अवॉइड करना है। तो वो शिफ्टिंग को अगर तुमको रोकना है, ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर को स्टेबल रखना है, तो तुम्हें इमीटर रेसिस्टर लगाना पड़ेगा। ये इमीटर रेसिस्टर क्या करता है, ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर मींस क्यू पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर को स्टेबल रखता है, इसलिए तुम यहां पे आरई लगाते हो, ठीक है। ई के सीरीज में मैं इमीटर के थ्रू दो रेसिस्टेंस लगाया, यहां पे इस इमीटर के थ्रू एक रेसिस्टेंस आरई और इस वाले इमीटर के थ्रू आरई, ठीक है। तो ये आरई लगा और फिर क्या करेंगे, आरई के ऑपोजिट में पैरेलल में एक कैपेसिटेंस लगा देंगे, दैट इज कैपेसिटर लगा देंगे, दैट इज सीई, ठीक है। इसको बोलते हैं इमीटर कैपेसिटर, ठीक है। इसके भी अक्रॉस में हम इमीटर कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है। आरई के अक्रॉस में मतलब आरई के पैरेलल में हमने दो एक कैपेसिटर लगाया, दैट इज कॉल्ड सी। इस ट्रांजिस्टर के आरई के ऑपोजिट में भी सी लगाया और इस ट्रांजिस्टर के आरई के ऑपोजिट में सी लगाया, सी इज कॉल्ड इमीटर कैपेसिटर। अब ये इमीटर कैपेसिटर लगाना इसलिए जरूरी है, अगर मान लो ये सी नहीं लगाएंगे हम, अगर ये सी मैंने नहीं लगाया तो जो इमीटर के थ्रू आने वाला जो वोल्टेज है सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा रेसिस्टेंस के अगेंस्ट, ठीक है। तो वो वोल्टेज ड्रॉप हो गया, अगर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो जो हमें सिग्नल मिलेगा आउटपुट में, हम आउटपुट सिग्नल कहाँ कलेक्ट करते हैं, ये कलेक्टर जंक्शन के थ्रू आउटपुट सिग्नल कलेक्ट करते हैं, तो हमें आउटपुट सिग्नल में जो वोल्टेज मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज क्या होगा आरई के अक्रॉस में ड्रॉप हो जाएगा। सो वो वोल्टेज ड्रॉप को अगर तुमको रोकना है तो इसके ऑपोजिट में तुमको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इमीटर कैपेसिटर। ये इमीटर कैपेसिटर क्या करेगा, जितने भी तुम्हारे एसी सिग्नल है उसको पास कर देगा और डीसी सिग्नल को ब्लॉक करेगा। कैपेसिटर को फिल्टर भी बोलते हैं। कैपेसिटर क्या करता है, डीसी कंपोनेंट्स जो होते हैं उसको ब्लॉक करता है और एसी सिग्नल को सारे के सारे एसी को बाईपास कर देता है। तो इस सी को क्या बोलेंगे, बाईपास कैपेसिटर भी बोलते हैं इसको। बाईपास कैपेसिटर हमने इसके पैरेलल में इसलिए लगाया है कि ये बाईपास कैपेसिटर क्या करता है, सारे के सारे एसी सिग्नल को पास करता है और डीसी कंपोनेंट और डीसी सिग्नल को रोकता है, डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। तो कैपेसिटर का काम देखो क्या होता है, कैपेसिटर का काम होता है डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करना और एसी को पास करना, इसलिए इसको बाईपास कैपेसिटर भी बोलते हैं। सीई क्या है, बाईपास कैपेसिटर। ये क्या करता है, एसी सिग्नल को बाईपास करता है और डीसी सिग्नल्स और डीसी कंपोनेंट। अब तुम बोलोगे कि डीसी सिग्नल्स कहां से आए, कोई भी सिग्नल प्योर नहीं होता। तुम अगर इनपुट में एसी सिग्नल दे रहे हो तो उसके साथ थोड़े बहुत डीसी सिग्नल्स रहते हैं, उस डीसी सिग्नल को अगर ब्लॉक करना है तो तुमको कैपेसिटर लगाना होता है। अगर तुम डीसी सिग्नल को या डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक नहीं किया तो वो ट्रांजिस्टर के वर्किंग में अफेक्ट करेंगे, ट्रांजिस्टर पॉइंट उसके और ऑपरेटिंग पॉइंट फिर से अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये सारा का सारा फिनोमिना एसी पे वर्क करता है, एसी सिग्नल पे वर्क करता है, डीसी सिग्नल हमें नहीं चाहिए, डीसी कंपोनेंट हमें ब्लॉक करना है। इसलिए ये सारे के सारे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में मैंने कैपेसिटर का यूज किया। कैपेसिटर का काम क्या है, डीसी कंपोनेंट को रोकना और एसी को बाईपास करना। सो सीई क्या है, बाईपास कैपेसिटर, एसी सिग्नल को बाईपास करता है और डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देता है, डीसी सिग्नल को ब्लॉक करता है। तो इसके आरई के अक्रॉस में मैंने सीई लगाया, इसके आरई के अक्रॉस में मैंने सीई लगाया, ठीक है। तो ये हो गया दो कैपेसिटर और रेसिस्टेंस कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः,
छह रेसिस्टर्स हो गया, अभी आठ रेसिस्टर लगते हैं, ठीक है। अब इनपुट, और ये क्या है, एक रेसिस्टर मैंने कलेक्टर के थ्रू लगा दिया, डैट इज RL1, ठीक है। ये कलेक्टर, क्योंकि मुझे क्या करना है, कलेक्टर क्या है, आउटपुट, आउटपुट जंक्शन, और कोई भी तुम्हें आउटपुट सिग्नल कहाँ कलेक्ट करना है, तुमको कलेक्टर पे, और कलेक्ट करने पे जो भी आउटपुट सिग्नल तुम कलेक्ट करते हो, जो भी आउटपुट वोल्टेज तुम देखते हो, वो लोड रेसिस्टेंस के थ्रू देखते हो, ठीक है। इसलिए कलेक्टर, इस पहले फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर जंक्शन पे मैंने लोड रेसिस्टेंस लगाया, इसके थ्रू ही मैं आउटपुट देखूंगा, ठीक है। तो सी को मैंने लोड रेसिस्टेंस लगाया RL1, ठीक है। इसके भी सी को मैंने दूसरा लोड रेसिस्टेंस लगाया जिसको बोलते हैं RL2, ठीक है। तो ये सी के अक्रॉस में RL1, इस सी के अक्रॉस में जो ये सी के साथ जो मैंने लगाया RL2, ये RL1 और RL2 लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको आउटपुट सिग्नल देखना है, आउटपुट वोल्टेज देखना है, तो आउटपुट वोल्टेज RL के अक्रॉस ड्रॉप होगा और वही फिर हम नोट करेंगे आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट सिग्नल को, ओके। इसलिए कलेक्टर जो होता है आउटपुट जंक्शन होता है, और कलेक्टर आउटपुट जंक्शन होने के कारण उसको उसके थ्रू उसके सीरीज में हमको क्या लगाना है, लोड रेसिस्टेंस लगाना है। इसलिए सी के साथ मैंने लोड रेसिस्टेंस लगाया RL1, इस दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के साथ मैंने लोड रेसिस्टेंस लगाया RL2। सो अब देखो इतने कंस्ट्रक्शन में कितने कैपेसिटर यूज हो गए हमारे, दो कैपेसिटर। कितने रेसिस्टेंस यूज हो गए, 1, 2, 3 रेसिस्टर्स पूरे हो गए, 8 रेसिस्टर। तो इस सर्किट में 8 रेसिस्टर्स होते हैं और 5 कैपेसिटर होते हैं, तो अभी 2 कैपेसिटर यूज हो गए, अभी और 3 कैपेसिटर और 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। और 3 कैपेसिटर कहां यूज होंगे अभी बताऊंगा मैं। तो ये हो गया, इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर के तीनों टर्मिनल इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बेस को कनेक्ट करते हैं 2 रेसिस्टर के साथ, इस बेस को भी 2 रेसिस्टर, सिमिलर। मैंने क्या बोला, ये क्या है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, कैस्केडेड एम्पलीफायर का एक एग्जांपल है ये, और कैस्केडेड एम्पलीफायर में स्टेजेस क्या होते हैं, आइडेंटिकल। तो देखो ये ट्रांजिस्टर के साथ जितने भी चीजें कनेक्टेड है, सेम चीजें इस ट्रांजिस्टर के साथ भी कनेक्टेड है, मतलब इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ 2 रेसिस्टर, इसके भी बेस के साथ 2 रेसिस्टर, इसके कलेक्टर के साथ 1 लोड रेसिस्टर, इसके भी कलेक्टर के साथ दूसरा लोड रेसिस्टर, इसके इमीटर के साथ 1 RE और पैरेलल में CE, उसी के साथ इस इमीटर के साथ भी 1 RE, इस इमीटर जंक्शन के साथ 1 RE और पैरेलल में CE। मतलब जितना यहां पे जो सर्किट है, सेम सर्किट यहां पर है, इसलिए ये दोनों स्टेजेस क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए इसको ये कैस्केडेड एम्पलीफायर के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने अभी तक जो कनेक्ट किए, 8 रेसिस्टेंस कनेक्ट किए, 2 ट्रांजिस्टर कनेक्ट किए, ठीक है, और 2 कैपेसिटर। अब देखेंगे बाकी 3 कैपेसिटर है, क्योंकि 5 कैपेसिटर होते हैं इस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में, और 3 कैपेसिटर कहां कनेक्ट करेंगे देखो अभी, ठीक है। तो ये लगाया मैंने 1 कैपेसिटर, ठीक है, इसको बोलते हैं सीसी कपलिंग कैपेसिटर। अब देखो फिर से ये ध्यान दो, इसका जो बेस जंक्शन है, इस पहले दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का बेस और पहले वाले ट्रांजिस्टर का कलेक्ट, दोनों को हम कपल कर देंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रांजिस्टर अभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्या, नहीं, लेकिन ये क्या है, 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, इसमें दोनों स्टेज को कनेक्ट करना जरूरी है। अब ये पहली फर्स्ट स्टेज सेपरेट है, सेकंड स्टेज सेपरेट है, अब दोनों को कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना सीक्वेंस में, तो कनेक्ट कैसे करेंगे, इसके ये सेकंड ट्रांजिस्टर का बेस कनेक्ट करेंगे हम फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ थ्रू कपलिंग कैपेसिटर। तो ये देखो कनेक्ट किया मैंने फर्स्ट सेकंड ट्रांजिस्टर का बेस कनेक्ट किया मैंने फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ, तो मतलब फर्स्ट स्टेज में जो आने वाला आउटपुट है, ये फर्स्ट स्टेज में आउटपुट कहाँ आएगा, कलेक्टर पे, तो कलेक्टर पे आने वाला जो आउटपुट है वो डायरेक्ट कैपेसिटर के थ्रू फर्स्ट सेकंड स्टेज के इनपुट में जाएगा। तो सेकंड स्टेज का इनपुट मतलब बी, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट मतलब कलेक्टर सी। सो यहां से जो आउटपुट निकलेगा वो सेकंड स्टेज के इनपुट में जाएगा, मतलब बेस में जाएगा ट्रांजिस्टर के थ्रू कपलिंग कैपेसिटर, ठीक है। तो ये कपलिंग कैपेसिटर ये दोनों ट्रांजिस्टर को जोड़ता है, इसलिए इसको कपलिंग ये कैपेसिटर दोनों ट्रांजिस्टर को जोड़ता है, एक के आउटपुट को और दूसरे के इनपुट को, इसलिए सीसी को बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर, सीसी मींस कपलिंग कैपेसिटर। तो यहां मैंने एक कपलिंग कैपेसिटर लगा दिया सी और बी, सी ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर एंड बी ऑफ फर्स्ट सेकेंड ट्रांजिस्टर के को मैंने जोड़ दिया। तो इस तरीके से मैं फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज को कनेक्ट कर रहा हूँ थ्रू सीसी, थ्रू सीसी मीन्स कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू, ठीक है। तो यहां एक कपलिंग कैपेसिटर लगाया और दूसरा कपलिंग कैपेसिटर मैं इधर लगाऊंगा कलेक्टर पे सेकंड वाले, ठीक है। तो सेकंड वाले कलेक्टर पे मैंने यहां एक कपलिंग कैपेसिटर लगाया, तो अभी कैपेसिटर कितने हो गए, ये 2 और 2 4
चार कैपेसिटर होंगे, लेकिन मैं मुझे कितने कैपेसिटर चाहिए, पांच। अभी एक कैपेसिटर कहाँ लगेगा, ये दो है कपलिंग कैपेसिटर, दो है इमिटर कैपेसिटर, ये दो है बाईपास कैपेसिटर, ये दो है कपलिंग कैपेसिटर। ओके, तो और एक कैपेसिटर लगेगा इनपुट में, ठीक है। तो देखेंगे, तो ये है इनपुट में, ठीक है। तो ये एक कैपेसिटर लगेगा इनपुट कैपेसिटर, तो ये है इनपुट सिग्नल, तो ये पार्ट हो गया इनपुट। इनपुट सिग्नल क्या रहेगा, एसी सिग्नल, ठीक है। इनपुट सिग्नल रहेगा एसी सिग्नल, ओके। तो ये एसी सिग्नल के थ्रू जो भी यहाँ से सिग्नल आएगा, फर्स्ट पास होगा ये इनपुट कैपेसिटर के थ्रू। तो ये सीआई क्या है, इनपुट कैपेसिटर। सो सीआई को मैंने कहाँ लगाया, इनपुट सिग्नल के साथ में लगा दिया सीआई, दैट इज इनपुट कैपेसिटर। ओके, तो अभी ये सर्किट कंप्लीट हो गया। बराबर पांच कैपेसिटर होंगे, ठीक है, एट रेसिस्टर हो गए और दो ट्रांजिस्टर। तो फाइव कैपेसिटर मतलब दो कपलिंग कैपेसिटर, दो इमिटर मतलब दो लो, दो बाईपास कैपेसिटर और एक इनपुट कैपेसिटर। तो पांच कैपेसिटर हो गए और आठ रेसिस्टेंस हो गए, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर, दे आर वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट के रेसिस्टर हो गए, आर एल वन आर एल टू लोड रेसिस्टेंस हो गए, ये हो गया छह रेसिस्टेंस और दो हो गए इमिटर रेसिस्टेंस, एट रेसिस्टेंस। तो टोटल एट रेसिस्टर्स लगाया, पांच कैपेसिटर लगाया और दो ट्रांजिस्टर लगाया। तो इस तरीके से आरसी कपल्ड सर्किट कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट सर्किट के लिए यहाँ पे जो भी टर्मिनल एंड टर्मिनल को हम एक वोल्टेज दे देंगे पॉजिटिव वीसीसी, दैट इज वोल्टेज हम यहाँ दे देंगे, ठीक है। ये जो टर्मिनल मैंने चारों के चारों एंड टर्मिनल को कनेक्ट करके एक वीसीसी दे दिया, दिस इज पॉजिटिव डीसी वोल्टेज देंगे यहाँ पर और आउटपुट मेजर करेंगे यहाँ के, ठीक है। तो दिस इज आउटपुट टर्मिनल, वीओ मतलब आउटपुट वोल्टेज इस टर्मिनल के थ्रू मेजर करेंगे और वी इन मतलब इनपुट वोल्टेज यहां से देंगे। तो इनपुट जो देंगे हम एसी इनपुट देंगे और यहां पे जो आएगा आउटपुट आएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन याद रखो, तो कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं। दो ट्रांजिस्टर लिया, दो ट्रांजिस्टर के थ्रू जो रेसिस्टर अटैच किया वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट, इमिटर के थ्रू एक रेसिस्टर अप्लाई किया, उसके अक्रॉस में कैपेसिटर लगाया पैरेलल में, फिर उसके बाद ये दोनों ट्रांजिस्टर को जोड़ दिया कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू, और एक कपलिंग कैपेसिटर यहाँ लगाया और यहाँ पे एक इनपुट कैपेसिटर लगाया। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे हम टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का, और एंड टर्मिनल में मैं पॉजिटिव वोल्ट दे रहा हूँ, डीसी वोल्ट दे रहा हूँ, पॉजिटिव वीसीसी, ठीक है। इस तरीके से हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन किसका है, टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का। एम्पलीफायर क्या करता है, एसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, एसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मैक्सिमाइज करता है, एसी सिग्नल के स्ट्रेंथ को, इनपुट के सिग्नल के एसी सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो किस तरीके से ये वर्क करेगा, ठीक है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ दिस, मैंने क्या बताया हर कंपोनेंट का यूज बताया कि ये कंपोनेंट यहाँ क्यों लगाया है, आरई क्यों लगाया है, ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल करने के लिए, आर वन आर टू आर थ्री आर फोर क्यों लगाया है, प्रॉपर बायसिंग के लिए और ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में वर्क करने के लिए, सीई क्यों लगाया है, एसी कंपोनेंट को पास करने के लिए और डीसी को ब्लॉक करने के लिए, सीआई क्यों लगाया है, इनपुट कैपेसिटर क्यों लगाया, क्योंकि इनपुट में से जो एसी सिग्नल आएंगे उसमें भी कुछ ना कुछ डीसी कंपोनेंट होंगे उसको ब्लॉक। तो कैपेसिटर का काम क्या है, डीसी सिग्नल को ब्लॉक करना, एसी को पास करना, ठीक है, बायपास करना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कंस्ट्रक्शन में हर कंपोनेंट का यूज बताया। अब एक सिंपल वर्किंग, दो तीन लाइन में वर्किंग बताऊंगा। वर्किंग देखो बहुत इजी है, कंस्ट्रक्शन के में तुमको कंपोनेंट के बारे में पता चल गया कि कंपोनेंट में क्या क्या होता है, कंपोनेंट का क्या क्या यूज है, हर एक कंपोनेंट का यूज क्या क्या है, ठीक है। तो अब ये एम्पलीफाई सिग्नल कैसे एम्पलीफाई करता है वो चीज मैं बताऊंगा, बहुत इजी चीज है। देखो क्या होता है, ये देखो ये एसी सिग्नल है, ठीक है, ये इनपुट में क्या है, एसी सिग्नल। एसी सिग्नल को इस तरीके से हम वेव फॉर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है एसी सिग्नल, ठीक है, ये है इनपुट एसी सिग्नल। तो सबसे पहले देखो इनपुट एसी सिग्नल यहाँ से आता है, मेरे माउस के एरो की तरफ ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग बहुत ईजी है, तीन लाइन में एक्सप्लेन करूंगा, बस देखो क्या होता है एक्चुअली। ये देखो यहाँ से एसी सिग्नल आया, मेरा माउस के एरो की तरफ देखो, ये इनपुट पार्ट में देखो, यहाँ से एसी सिग्नल आया, ये एसी सिग्नल ऐसा होता है। तो ये इनपुट एसी सिग्नल यहाँ से आया और क्या करता है, पहले कैपेसिटर के थ्रू जाता है ये सिग्नल। तो कैपेसिटर क्या होता है, ये एसी सिग्नल है उसको पास कर देता है यहाँ से,
ठीक है, तो पास करने के बाद डीसी को ब्लॉक कर, अगर मान लो इनपुट सिग्नल में एसी के साथ कुछ डीसी कंपोनेंट, अभी सारा का सारा सिग्नल प्योर एसी तो नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ डीसी सिग्नल्स की इंप्योरिटी होगी, कुछ ना कुछ वहां पे डीसी कंपोनेंट होगा, इसलिए मैंने यहाँ कैपेसिटर लगाया। तो एसी सिग्नल यहां से आ रहा है तो एसी सिग्नल को कैपेसिटर पास कर देगा, एसी के साथ साथ अगर कुछ डीसी कंपोनेंट वहां प्रेजेंट है तो कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। तो यहां से एसी सिग्नल आया, एसी सिग्नल पास हो गया, क्योंकि ये कैपेसिटर का काम ही है एसी सिग्नल को पास करना, डीसी को ब्लॉक करना। तो एसी सिग्नल यहां से पास हो जाएगा, ठीक है। यहां से एसी सिग्नल पास होने के बाद ये देखो एसी का ये मैग्नीट्यूड इतना कम है, इस सिग्नल इस वेव फॉर्म का मैग्नीट्यूड कम है, एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है। तो यहां से एसी सिग्नल कैपेसिटर से पास हो गया, फिर यहां आके इस बेस पे आएगा, तो बेस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर पे यहाँ एसी सिग्नल आएगा। तो बेस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर पे एसी सिग्नल आने के कारण यहाँ पे आरई और सीई क्या करेंगे, आरई और सीई इसको ट्रांजिस्टर के ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबल रखेंगे, सीई जो भी डीसी कंपोनेंट है ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो ये बेस पे आया एसी सिग्नल, बेस पे आके ये कलेक्टर के थ्रू आएगा आउटपुट की तरफ, ठीक है। तो बेस पे इनपुट आया और आउटपुट कहाँ कलेक्ट होगा, कलेक्टर के तरफ। तो जब यहाँ कलेक्टर पे आउटपुट आएगा तो आउटपुट मेजर करेंगे हम आरएल के अक्रॉस, और इस ट्रांजिस्टर के आउटपुट में जो सिग्नल मिलेगा हमको ऐसा सिग्नल मिलेगा, देखो ये सिग्नल मिला, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो ये आउटपुट टर्मिनल जो कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर है वहाँ पे हमको जो आउटपुट मिलेगा ऐसा मिलेगा। अब देखो इसका एम्पलीट्यूड, ये पहले सिग्नल से इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा है, लेकिन ये पहला वाला जो सिग्नल है, ये सिग्नल और ये सिग्नल डिफरेंस क्या है, ये और ये सिग्नल ऑपोजिट है, यहां क्या है, ये यहां फर्स्ट हाफ ऊपर है तो यहां फर्स्ट हाफ नीचे है, और यहां सेकंड हाफ नीचे है तो यहां सेकंड हाफ ऊपर है, तो ये कैसे ऊपर से नीचे है, तो ये नीचे से ऊपर है। इसका मतलब ये जो सिग्नल है, ये इनपुट सिग्नल है और ये आउटपुट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर, ये सिग्नल क्या है, आउट ऑफ फेज है, ये ऐसा है तो ये नीचे से ऊपर है, ये ऊपर से नीचे है तो ये नीचे से ऊपर है, ये साइकिल ऐसी नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे, मतलब यहाँ अपर हाफ है तो यहाँ लोअर हाफ है, यहाँ लोअर हाफ है तो यहाँ अपर हाफ, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड बढ़ गया, इसमें एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, सेकेंड ट्रांजिस्टर पे जो हमको सिग्नल मिलेगा एम्पलीफाई करके मिलेगा, बड़ा हुआ एम्पलीट्यूड मिलेगा, लेकिन ये उल्टा सिग्नल मिलेगा, ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज सिग्नल मिलेगा, ये है ऐसा तो ये है नीचे से ऊपर, ठीक है। तो ये नीचे से शुरू होकर ऐसे ऊपर तक आएगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज इसको बोलते हैं। सो इनपुट सिग्नल हमने दिया ऐसा, और आउटपुट सिग्नल हमें फर्स्ट ट्रांजिस्टर के थ्रू मिला ऐसा, ठीक है। तो ये जो सिग्नल हमें फर्स्ट ट्रांजिस्टर पे मिल रहा है इस कलेक्टर पे, यही सिग्नल फिर हम कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू पास करेंगे। तो ये जो आउटपुट सिग्नल है फर्स्ट ट्रांजिस्टर के थ्रू जो हमने कलेक्ट किया है, आउटपुट सिग्नल ये रहेगा आउट ऑफ फेज, ठीक है, आउट ऑफ फेज रहेगा इनपुट सिग्नल के साथ। देखो ये सिग्नल ऐसा ऊपर से नीचे है, ये नीचे से ऊपर, और इसका एम्पलीट्यूड भी क्या है, बड़ा हुआ है एम्पलीट्यूड, ओके। तो ये जो सिग्नल मिलेगा हमको फर्स्ट ट्रांजिस्टर के आउटपुट में मिलेगा, मतलब कलेक्टर जंक्शन पे मिलेगा, मतलब हम आरएल के अक्रॉस इसको मेजर करेंगे तो ये सिग्नल ऐसा दिखेगा। तो ये जो आउटपुट मिल रहा है फर्स्ट ट्रांजिस्टर के थ्रू, इसी आउटपुट को हम पास करेंगे, किसके थ्रू पास करेंगे, कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू, और देंगे इनपुट ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर। तो ये जो सिग्नल मिला, ये वाला सिग्नल, ऐसा सिग्नल, ये सिग्नल हम कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू पास करेंगे, और ये सिग्नल के साथ हो सकता है कुछ डीसी कंपोनेंट आए हो, हो सकता है इस सिग्नल के साथ कुछ डीसी कंपोनेंट हो, तो वो डीसी कंपोनेंट फिर से एक कपलिंग कैपेसिटर ब्लॉक करेगा और ये एसी सिग्नल को फिर पास करेगा। तो ये जो आउटपुट सिग्नल है, एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ सिग्नल, आउट ऑफ फेज सिग्नल जो मिला है, वो कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू पास होगा, और क्या आएगा यहाँ पे, बेस ऑफ द सेकेंड ट्रांजिस्टर पे आएगा। तो बेस ऑफ द सेकेंड ट्रांजिस्टर पे ये सिग्नल आया, तो ये सिग्नल बेस ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर पे आया, और फिर ये फिर से सिग्नल क्या जो क्या होगा, इस ट्रांजिस्टर के थ्रू फिर कलेक्टर पे आएगा और एम्पलीफाई होके मिलेगा, ठीक है। तो ये एम्पलीफाई होके आउटपुट में हमको जो सिग्नल इस कलेक्टर पे मिलेगा एम्पलीफाई होके, वो सिग्नल फिर कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू हम आउटपुट में मेजर करेंगे, फिर से अगर उस सिग्नल के साथ कुछ डीसी कंपोनेंट हो, डीसी कंपोनेंट रहेंगे तो ब्लॉक कर देगा सीसी, और उस सिग्नल एसी सिग्नल को पास कर देगा, और आखिरी में जो हमको मिलेगा आउटपुट पे, ये बड़ा हुआ सिग्नल मिलेगा। देखो ये
छोटा सिग्नल का, ये थोड़ा बड़ा, और आखिरी में ये जो ट्रांजिस्टर के थ्रू आ रहा है लास्ट में जो आउटपुट सिग्नल आएगा एकदम बड़ा हुआ मिलेगा एम्पलीट्यूड, और ये मिलेगा इन फेज विद द इनपुट सिग्नल। देखो इनपुट सिग्नल भी ऐसा है, आउटपुट सिग्नल भी ये ऐसा है, बीच में हमको सिग्नल जो मिला आउट ऑफ फेज मिला, फिर से आउट ऑफ फेज वाला सिग्नल हम इनपुट देंगे सेकेंड ट्रांजिस्टर को, और सेकेंड ट्रांजिस्टर से जो आउटपुट में मिलेगा थ्रू कपलिंग कैपेसिटर वो मिलेगा हमें बड़ा हुआ एम्पलीट्यूड, बड़ा हुआ सिग्नल मिलेगा एसी सिग्नल, और ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड बड़ा रहेगा और ये सिग्नल इन फेज रहेगा विद इनपुट सिग्नल। देखो इनपुट सिग्नल छोटा था ऐसे ऊपर से नीचे, वैसे ही आउटपुट सिग्नल भी ऊपर से नीचे, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड बड़ा हुआ है तो सेकेंड ट्रांजिस्टर के थ्रू जो आउटपुट मिलेगा एकदम एम्पलीफाई होके मिलेगा, ये सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये टू स्टेज, इसलिए देखो पहले स्टेज में जो एम्पलीफिकेशन हुआ वो आउट ऑफ फेज हुआ और उसमें उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड नहीं था, लेकिन इसी आउटपुट सिग्नल को मतलब आउटपुट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर को फिर से इनपुट में दिए सेकंड ट्रांजिस्टर, और जो फिर आउटपुट मिला कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू हमको एक बड़ा सा सिग्नल मिला, एम्पलीट्यूड भी ज्यादा था, तो इसलिए दूसरा ट्रांजिस्टर लगाना जरूरी है। एक स्टेज में उतना एम्पलीफिकेशन नहीं हुआ, सेकेंड स्टेज में बहुत ज्यादा एम्पलीफिकेशन हो गया, ठीक है। तो यही एडवांटेज है टू स्टेज एम्पलीफायर का, आउटपुट हमें एकदम बड़ा हुआ मिलता है, आउटपुट हमें ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू सिंगल स्टेज। तो यहां तक क्या है सिंगल स्टेज, और इसके बाद सेकेंड स्टेज है, तो सेकेंड स्टेज में हमें इतना बड़ा आउटपुट मिला। तो सिंपली वे में दो तीन लाइन में मैंने वर्किंग देखा, तो वर्किंग फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो इनपुट सिग्नल ऐसा होता है, ये कपलिंग, ये इनपुट कैपेसिटर के थ्रू पास होता है, कैपेसिटर में क्या होता है डीसी कंपोनेंट ब्लॉक होता है, ये एसी सिग्नल है तो एसी सिग्नल को अलाउ करता है, फिर यहाँ बेस में आता है, बेस में एसी सिग्नल आया, फिर ट्रांजिस्टर क्या करता है उसको एम्पलीफाई करता है, और कलेक्टर पे हमें ये एम्पलीफिकेशन होने वाला सिग्नल मिलता है, इस तरीके का एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ लेकिन आउट ऑफ फेज मिलता है। फिर ये जो यहाँ पे जो आउटपुट सिग्नल मिला ये, ठीक है, तो आउटपुट सिग्नल क्या होता है यहां से हम पास करते हैं आउटपुट सिग्नल को, और फिर आउटपुट सिग्नल यहां पास होके यहां इसके इनपुट पे आता है, और आखिरी में हमको क्या मिलता है एम्पलीफाई हुआ सिग्नल मिलता है। तो इस तरीके से जो आउटपुट में हमको सिग्नल मिलेगा ये एम्पलीफाई होके सिग्नल मिलेगा। तो ठीक है, दिस इज द वर्किंग फॉर टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। और ये कैपेसिटर का काम होता है डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक करना और एसी सिग्नल को पास करना। तो ये जो यहाँ पे जो आउटपुट है फर्स्ट ट्रांजिस्टर पे, ये आउटपुट यहाँ पे मिला, और यही आउटपुट को हम सेकंड ट्रांजिस्टर के बेस में दिए, और फिर कलेक्टर के थ्रू कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू जो आउटपुट मिला उसमें एकदम सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हो गया, सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ गई। सो दिस इज द वर्किंग फॉर टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, और इस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का काम है सिग्नल को एम्पलीफाई करना। दो ट्रांजिस्टर लगाया, पहले ट्रांजिस्टर के थ्रू थोड़ा एम्पलीफिकेशन और सेकंड ट्रांजिस्टर के थ्रू बहुत ज्यादा एम्पलीफिकेशन हो गया। तो दिस इज द वर्किंग फॉर टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। मैंने कंस्ट्रक्शन भी बताया, कंस्ट्रक्शन में 8 रेसिस्टर्स, 5 कैपेसिटर्स और 2 ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, और इस तरीके से वर्किंग मैंने बताया कि पहला ट्रांजिस्टर इस तरीके से एम्पलीफाई करता है और सेकंड ट्रांजिस्टर में एकदम सिग्नल बड़ा हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है। हर कंपोनेंट और हर रेसिस्टर का मैंने यूज बताया, ठीक है, और इस तरीके से ये एम्पलीफिकेशन होता है टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में। सो आज के लिए इतना काफी है, आज हमने पढ़ा कंस्ट्रक्शन ऑफ टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इन सी कॉन्फिग्रेशन, और साथ साथ में हमने पढ़ा कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर होता क्या है, और पहले हमने पढ़ा कैस्केडेड एम्पलीफायर क्या होता है, एक सारी के सारे स्टेज सीक्वेंस में कनेक्ट होते हैं, और फिर हमने वोल्टेज गेन उसके लिए देखा, हमने निकाला। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कैस्केडेड और आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हमने देखा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है कैस्केडेड और आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, और कैस्केडेड एम्पलीफायर का क्वेश्चन भी आता है, आरसी कपल्ड का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आ सकता है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी है तो पूछो।